आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। मैंने धरती को देखा है, मैंने बदलते समय को देखा है, हर पल बदलती नियत, चेहरे और लोग देखे हैं, क्योंकि मैं वो आंख हूं जो कभी नहीं झपकी। मैं सदा ऊपर तनी हुई वो छत हूं जो कभी नहीं झुकी। मैं आकाश हूं और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आया हूं, और वो कहानी है महाभारत। महाभारत जो द्वापर में भी हुई और आज कलयुग में भी होती है, आपके भीतर हर पल, जिसके सारे पात्र आप में से हर एक के अंदर जीते हैं। जब आप सच को नहीं जान पाते तो आप धृतराष्ट्र हैं, और जब सच को जानकर भी आंखें बंद कर लेते हैं तो गांधारी। जब आप रिवेंज की आग में अपना सारा जीवन झोंक देने को तैयार हो तो आप शकुनी हैं, और जब आप ये जानते हुए भी कि आप गलत आदमी का साथ दे रहे हैं और अपने आप को नहीं रोकते, तब आप कर्ण हैं। जब आपकी अच्छाई आपका अहंकार बन जाए तब आप भीष्म हैं। अर्जुन भी हैं आप, और वो कृष्ण भी जो आपको रास्ता दिखाएगा। पर क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश की है कि आपके भीतर का दुर्योधन कब सर उठाता है और कब आपके कदम टकमगाते हैं? महीदेव, ध्यान से सुन लो महीदेव, आज तक ये दुर्योधन तुम्हारे द्वार पर सर पटकता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, और तुम मंदिर के इस ऊंचे सिंहासन पर बैठे मुस्कुराते रहे। पर आज के बाद ये फिर कभी तुम्हारे द्वार पर पैर नहीं रखेगा महीदेव, नहीं गिड़गिड़ाएगा तुम्हारे सामने। बस बस, बहुत कर ली तुम्हारी पूजा, बहुत कर ली तुम्हारी वंदना, तुम्हारी चाकरी, और इसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? हाँ, पराजय, अपमान, कुंठा, इंद्रप्रस्थ में हुए अपमान के बाद दुर्योधन अपना भाग्य स्वयं लिखेगा महीदेव, अपनी भुजाओं के बल से लिखेगा, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी भक्ति से ज्यादा अपनी शक्ति पर विश्वास है। अब उन तुच्छ पांडवों का साहस नहीं होगा कि वो दुर्योधन का उपहास कर सके। आज तुम्हारे सामने इस विदारक के शंखनाद से उन पांडवों का अंत करने का प्रण लेता है ये दुर्योधन। भांजे भांजे, लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो, ऐसे तो प्रतिशोध की आग तुम्हें ही जलाकर राख कर देगी। नहीं मामो, नहीं, जब तक मैं पांडवों को खाक होते नहीं देख लूं तब तक ये आग ठंडी नहीं होगी मामो। शव खोदेंगे तो दुर्गंध उठेगी, इसलिए कहता हूं कि मिट्टी डालो, मिट्टी डालो। मिट्टी डालो, तुम्हारे कलेजे को भी पांचाली की हंसी ने ऐसे ही छीला होता ना मामा? छीला है भांजे, मेरे हृदय को भी छीला है उसकी खिलखिलाहट ने। पर क्रोध में किया फैसला सदा पछतावा देता है। यदि तुम पांचाली की आंखों में खून के आंसू देखना चाहते हो तो धीरे से काम लो भांजे, मेरी चौसर की चाल खाली नहीं जाएगी। वो छलिया कृष्ण अब तक तो द्वार का निकल गया होगा,
मतलब अब पांडव को रोकने वाला भी कोई नहीं होगा वहां पर, बस वो बेवकूफ विदुर कोशिश कर सकता है। अरे उस पे मिट्टी डालो लोमड़ी सा सोचो बाघ सा नोचो। कहाँ हो अर्जुन? रथ तैयार है। मैं तो तैयार हूँ भैया, नकुल और सहदेव भी आ रहे हैं, पांचाली शायद भीम के साथ आ रही है। पांचाली? पर पांचाली तो रजस्वला है, इस हाल में उसका हस्तिनापुर चलना मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये भीम भी पहले मुझे निमंत्रण ठुकराने के लिए कहता है और अब। मैंने कहा तो और भी बहुत कुछ था, पर किसी के पास उसे सुनने का समय ही कहाँ था। तब तो धर्मराज होने के अहंकार ने किसी को ये भी सोचने का समय नहीं दिया कि ये द्यूत्य का निमंत्रण हमारी बढ़ती हुई शक्ति को कुचलने का उस नीच दुर्योधन का महाषड्यंत्र है। ये भीम आप जैसा महाविद्वान और शास्त्रों का ज्ञाता ना सही, पर कम से कम अपनी बर्बादी की आहट तो समझ ही सकता है। इंद्रप्रस्थ के ऊंचे सिंहासन पर बैठकर ना तो धर्मराज को उनके भाई दिखते होंगे और ना ये पांचाली, और दिखे भी क्यों जब धर्मराज स्वयं अपने सर्वनाश का संकल्प लिए बैठे हों, तो तुम्हारे हमारे जैसे साधारण लोगों की बात कैसे समझ में आएगी उन्हें भीम? हम जैसे आम जनों को क्या समझ राजनीति की? आज उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि काशी पांचाल द्वारका और मगध जैसे विशाल साम्राज्य उनके पीछे खड़े हैं। ऐसे में हम तो उन्हें बहुत बौने लगते होंगे ना। भीम, पांचाली, ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम तो मेरे अपने हो, भले ये सारा संसार मेरे निर्णय पर संदेह करे, पर कम से कम तुम तो मुझे समझते। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं चाहता हूं कि मैं किसी तरह महामुनि व्यास की भविष्यवाणी को झूठा सिद्ध करके कुरुवंश के बीच इस बैर को मिटा सकूं। तुम सभी तो वहीं थे जब इंद्रप्रस्थ से प्रस्थान करते समय महामुनि व्यास ने कहा था कि महासमर का केंद्र मैं ही रहूंगा, और यदि मुझे केंद्र में रहना ही है तो मैं आगे बढ़कर उसका सामना क्यों ना करूं। पर केशव ने भी तो कुछ कहा था, और केशव के वो वचन इस संसार का अंतिम सत्य है। याद है पंचाली, मुझे उनके एक एक शब्द याद है। कृष्ण की बात याद रखना धर्मराज, यदि तुम्हारे शत्रु का नाश हो सकता है तो तुम्हारा भी नाश हो सकता है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, मानव निर्णय उसे हर क्षण बनाता मिटाता है। ये सृष्टि भाग्य नहीं कर्म से चलती है। इस नश्वर संसार का अंतिम सत्य केवल तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा वो कर्म इस संसार का वो अंतिम सत्य है जो अविनाशी है, जो अजर है, जो अमर है। और मैं भी बस अपना कर्म ही कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस अनहोनी को रोकना चाहता हूं। परंतु केशव ने ये तो नहीं कहा था कि जानबूझकर अपने विनाश को बुलाना भी कर्म है? महाराज, क्या हुआ? महाराज, आप बड़े अशांत लग रहे हैं। आश्चर्य है विदुर, आश्चर्य है कि जन्म से अंधा ये धृतराष्ट्र ऐसा स्वप्न कैसे देख सकता है। पर आपने ऐसा क्या देख लिया महाराज? बहुत सारे योद्धा ढोल नगाड़ों की थाप पर बेसुध नृत्य कर रहे थे। उन्होंने अपने सिरों को मशाल बना रखा था विदुर। उनके मुंड आग की लपटों से घिरे हुए थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्हें थोड़ी भी पीड़ा हो रही है, बल्कि वो तो आनंद से नाच रहे थे। बताओ विदुर, बताओ क्या अर्थ हो सकता है इस स्वप्न का? मुझे आज्ञा दीजिए महाराज,
आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो आपको अप्रिय लगे। मैं अपने इस स्वप्न का अर्थ जानना चाहता हूँ विदुर। मुझे विवश ना करें महाराज। रुको विदुर, तुम्हें बताना होगा, ये मेरा आदेश है। तो सुनिए महाराज, ये द्यूत कुरुवंश का नाश कर देगा। आपने द्यूत का निमंत्रण पांडवों को नहीं काल को भेजा है, काल को। विदुर, आपके इस निमंत्रण की आंधी सारे कुरुवंश को उड़ा कर ले जाएगी महाराज, और आपका ये स्वप्न उसी काल के आगमन की चेतावनी थी। तो तुम मुझे ये अब बता रहे हो जब सब कुछ हाथ से निकल चुका। यदि मैं निमंत्रण भेजने से इनकार कर देता महाराज, तो क्या आप दुर्योधन को ना कह पाते? यदि तुम्हें ज्ञात था युधिष्ठिर कि दुर्योधन तुम्हारा भला नहीं सोचने वाला, तो तुमने द्यूत का निमंत्रण स्वीकार ही क्यों किया? क्यों चले आए यहां? जबकि ये तुम भी जानते हो कि जब तक दुर्योधन तुम्हारी एक एक वस्तु छीन कर तुम्हें श्रीहीन नहीं कर देता, वो चैन से नहीं बैठेगा। पितामह, यदि मैं इस निमंत्रण को अस्वीकार कर देता तो दुर्योधन हमारे विरुद्ध किसी भी बहाने से युद्ध की घोषणा कर देता। इस स्थिति से तो ये द्यूत ही सही है। तुम जाओ युधिष्ठिर, जाओ। द्यूत सभा में तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है, पर ये याद रखना कि तुम उसे झुटलाने की कोशिश कर रहे हो जो ईश्वर पहले से ही तय करके बैठा है। महाराज धृतराष्ट्र, पितामह, भीष्म और सभा सदों, मैं कुमार दुर्योधन और कुर्राज की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पांडवों का आभारी हूं जिन्होंने आपसी सद्भाव के लिए कुमार दुर्योधन के निमंत्रण को स्वीकार किया। मैंने भांजे दुर्योधन को समझाया कि पांडवों और कौरवों के साथ होने में ही हम सबका हित है। अब मैं महाराज की ओर से प्रेम और सद्भाव के इस आयोजन को आरंभ करने की घोषणा करता हूं। पांडव श्रेष्ठ, आप सभी के स्वागत में भांजे दुर्योधन ने दरबार में नृत्य संगीत की सुंदर व्यवस्था की है, आनंद लीजिए। तो भैया, मामला ऐसा रहा कि देर रात तक नाच गाना बजता रहा, सभा चलती रही। जहां पांडवों का मन कभी अनुभव करता था कि शायद दुर्योधन बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, कई बार उन्हें यह भी लगता कि दुर्योधन और शकुनी के मुंह से टपकती है इतनी मिठास, कहीं उन्हें किसी जाल में तो नहीं फंसा रहे। उधर पिछली रात के बुरे सपनों ने इस रात भी पांचाली का पीछा नहीं छोड़ा। अब सपने कहां पीछा छोड़ते हैं। सुबह हुई तो पांडवों को बड़े सम्मान के साथ दरबार में लाया गया। भैया भीम, देखिए कितनी विशाल चौसर तैयार किए इन्होंने। ऐसे प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है सहदेव, ये बात लिख कर रख लो कि हमारी बर्बादी का प्रपंच इसी चौसर पर रचा जाना है। अरे भैया भीम, आइए आइए, पधारी, यहां इस आसन पर बैठिए, ये विशेष आपके लिए बनाई है मजबूत लकड़ियों से। प्रणाम बड़े भैया युधिष्ठिर, प्रणाम। अच्छा, पांडवों की ओर से तो आप ही चौसर खेलेंगे ना, तो आप यहां आइए मध्य स्थान पर विराजी। अवश्य, तुम्हारी ओर से कौन खेलेगा दुर्योधन? अब चौसर के खेल में तो आपकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता भैया, तो मेरी तो बिसाती कहां है। ऐसे एक तरफा खेल में किसी को आनंद नहीं आएगा ना, इसलिए मेरी ओर से मेरे प्रिय मामा शकुनी खेलेंगे। तो चलिए मामा, पहली चाल आप चलिए। तुम कहते हो तो मैं ही चलता हूं। युधिष्ठिर,
दाव पर क्या लगाते हो? 100 घोड़े। तो मामा, मेरी ओर से भी 100 घोड़े। तो 100 घोड़ों के लिए आ जा। 6। हाँ, 2। पासे बेईमान, बेच दिया ईमान। तो मैं 6 लाकर दिखाता हूँ मामा। 6। वाह वाह भैया वाह, अद्भुत भैया अद्भुत। देखा बेन, तुम बड़े भैया को साधारण खिलाड़ी मान रहे थे ना, अब देखो उन्होंने पहली बाजी ही जीत के साथ शुरू की है। तो भैया, जब सफलता आसानी से हाथ लगती दिखे तो समझ जाओ कि सामने बहुत बड़ा संकट आने वाला, क्योंकि जीवन के सागर में मोती आसानी से नहीं मिलते, गोते तो लगाने ही पड़ते हैं। भैया, क्या कभी आपके कदम भी शुरुआती सफलता में बहके हैं? ठीक है, किसी को हमेशा संदेह से नहीं देखना चाहिए, लेकिन सावधान रहना हमें संकट से बचने के रास्ते देता है। नहीं, एक बात बताते हैं आपको, वैसे भीम खामखा परेशान नहीं था भैया, वो दुर्योधन की बदनीयती जानता था, लेकिन फिर भी उसने युधिष्ठिर को इस जाल में फंसने से रोका नहीं। अभी सवाल तो बनता है, नहीं सवाल का क्या है, मन हुआ बन गया, जवाब जवाब भी बन ही जाएगा। सुनते रहिए महाभारत।